हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं टिप और ट्रिप के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। रोज़ की तरह मैं ऐसी यूजफुल टिप लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला है टिप मेरा, इस तरीके से कोई भी एक्सपायर टैबलेट ले लेना है। तो देखिए, मेरे पास इस तरीके से टैबलेट रखी है, एक्सपायर हो चुका है, या पैरासीटामोल टैबलेट भी ले सकते हैं। तो कोई भी भारी चीज़ से इस तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा कोलगेट डाल लेना है। कोई भी कोलगेट आप डाल सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये वाइट है, तो मैं वाइट ही डाली हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो चलिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसी के साथ मैं एक पेस्ट बना के इसको रेडी कर लेती हूँ। दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार आजमाएंगे तो बार बार इसको आजमाएंगे। तो चलिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से डाल लिया है इसमें। अब मैं आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं वाश बेसन के पास आ चुकी हूँ। तो आपने देखा होगा, बरसात का मौसम आने वाला है और हमारे वाश बेसन में से काकरोच, बैक्टीरिया वगैरह आती रहती हैं और जिद्दी से जिद्दी दाग भी पड़ जाता है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि हम क्या करें। तो आपके घर में इस तरीके से एक्सपायरी टैबलेट है तो इसको बिल्कुल भी फेंकिए नहीं, इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको क्लीनर की आपका इससे वाश बेसन जो है क्लीन तो होगा ही, और आपको मार्केट से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और आपको क्लीनर जो है ना, हम क्लीनर जैसे हार्पिक वगैरह नहीं है, तो आप इससे इसकी सफाई कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी क्लीनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि जो नलका है, अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारा नल है अच्छी तरीके से क्लीन भी हो चुका है। और जो वाश बेसन है, किसी भी जो भी आप स्क्रबर इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से अच्छी तरीके से रब कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे इसका क्लीन काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुका है। और दोस्तों, इसी तरीके से बिल्कुल भी आपके जो वाश बेसन में बैक्टीरिया वगैरह आती हैं बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो इसका सॉल्यूशन बचा हुआ है, तो लास्ट में मैं इसमें एक से दो चम्मच डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वगैरह इधर उधर होंगी, इसको डाल के मुझे छोड़ देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखें, कोई भी क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ना ही आपको हार्पिक की ज़रूरत पड़ेगा। ये इस्तेमाल करने के बाद आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, बिल्कुल फ्री में आपका काम हो जाएगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से हाथ को लेके है। तो दोस्तों, हम हाउस वाइफ कितने भी एक्सपर्ट किचन में हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी रोटी बनाते हुए, कभी कुकर उतारते हुए, या फिर कभी दाल वगैरह में तड़का लगाते हुए हमारा हाथ किसी ना किसी तरीके से जल जाता है। तो दोस्तों, अगर जल जाता है तो इसके लिए एक बहुत यूज़फुल ट्रिक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर हम इसको कुछ नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें छाले पड़ जाते हैं, तो आपको ले लेना है कोलगेट, वाइट वाला कोलगेट ले लेना है। इस तरीके से अपने हाथों पे अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है। कोलगेट होता है ठंडा, कोलगेट लगा लेंगे तो इस तरीके से जो फवंस वगैरह आपके हाथों पे जो छाले पड़ने वाले हैं बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये ठंडा से बिल्कुल आपकी जो हाथों पर काफ़ी राहत ले आएगा। और दोस्तों, इस तरीके से कभी भी अगर आपके साथ कहीं भी इस तरीके से अगर जल जाते हैं, हादसा होता है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कोलगेट बहुत ही ठंडा होता है। अगला है टिप दोस्तों, सिलेंडर को लेके है। सिलेंडर दोस्तों, जब हमारा कभी सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, हम लॉबी में रखते हैं या गेस्ट रूम में रखते हैं, तो आपने देखा होगा हम ऐसे सिलेंडर खींच लेते हैं, लेकिन आपने देखा है इस तरीके से हमारा टाइल्स ख़राब हो जाता है, पत्थर ख़राब हो जाता है और खींच आ जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक टिप मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ। इस तरीके से पन्नी ले लेना है। देखिए, इस तरीके से टी शर्ट वगैरह की पन्नी हो गया, और कोई किसी चीज़ में भी इस तरीके से पन्नियाँ बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो हम क्या करते हैं पन्नी को फेंक देते हैं। तो कभी भी इस तरीके से जब सिलेंडर वगैरह खिसकाना है, तो सिलेंडर के नीचे पन्नी रख के आप इसको जब खिसकाएंगे आगे, तो आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से ये जो पन्नी है ये अपना वर्क अच्छी तरीके से करेगा, आगे बिल्कुल इजीली तरीके से ये खिसक जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल ही पन्नी ले सकते हैं, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके टाइल्स पर निशान नहीं पड़ेगा, आपका ये जो फ्लैट है इस पर भी बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा। तो इस ट्रिक को दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके से पन्नी वगैरह है तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सभी के पास इस तरीके से क्या होता है कि सिलेंडर की जो ट्रोली होती है खिसकाने वाला, सबके पास नहीं होता है, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
और नॉर्मली भी पन्नी इस तरीके से ले सकते हैं। अगली है टिप दोस्तों सिलेंडर को लेके। जब भी हम सिलेंडर वाले भैया से लेते हैं तो सबसे पहले सिलेंडर का वेट करवा लेना है। दूसरी बात करना है एक्सपायरी डेट देख लेना। जैसे अल्फ़ाबेट में लिखा रहता है ABC, यानी कि ये मंथ रहता है। संख्या में जो लिखा है आप देख पा रहे होंगे A26 हमारे सिलेंडर पर लिखा हुआ है, यानी कि A का मतलब जनवरी फरवरी, का मतलब होता है दोस्तों अप्रैल मई जून, सी का मतलब होता है जुलाई अगस्त सितंबर, डी का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब इन चीज़ों मतलब दोस्तों इन सब चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, यानी कि हमारे सिलेंडर पर लिखा है A26 यानी जनवरी में सन 2026 को ये हमारा सिलेंडर एक्सपायर डेट होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का सन 2026 में ये हमारा सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों का लेते हुए सिलेंडर को ध्यान रखना है। अगला है टिप भी दोस्तों इस तरीके से सिलेंडर को ही लेके है। जब भी हम सिलेंडर कहीं भी टाइल्स वगैरह पे रखते हैं, पत्थर पे रखते हैं, तो आपने देखा होगा हम इसको गौर नहीं करते हैं, हमारा टाइल्स भी ख़राब हो जाता है, पत्थर भी ख़राब हो जाता है जंग लग के। तो जब भी सिलेंडर रखते हैं इस तरीके से सिलेंडर के नीचे वैसलीन लगा के रखेंगे तो आपका टाइल्स नहीं ख़राब होगा, पत्थर नहीं ख़राब होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। अगला है टिप दोस्तों इस तरीके से झाड़ू लेके हैं। तो दोस्तों हम झाड़ू तो लगाते हैं अपने घर में, लेकिन आज हम झाड़ू को अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों झाड़ू क्या होता है कि कोई भी आपके घर में इस तरीके से टी शर्ट अगर पुराना है तो इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। टी शर्ट को आप बहुत इजीली तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये टी शर्ट है मैं झाड़ू के ऊपर पहनाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने पहनाने के बाद एक ऊपर रबड़ लगा लेना है और एक नीचे रबड़ लगा लेना है। इससे क्या है कि ये जो टी शर्ट है काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें अटैच हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने रबड़ को लगा लिया है, इसी तरीके से ऊपर भी लगा लिया है और इसी तरीके से मुझे नीचे भी लगा लेना है। दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रिक आप अपने घर में एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। हमारा कठिन से कठिन जो काम हम सोचते हैं ना, तो कभी टिप और ट्रिक के जरिए हमारा काम काफ़ी आसान भी हो जाता है। और एक रबड़ मैं नीचे लगा लेती हूँ। तो चलिए इसी तरीके से मैंने रबड़ को लगा लिया है, अब मुझे इसका रियूज क्या करना है मैं इसका रियूज भी बताती हूँ कि रियूज ये मुझे कैसे करना है। तो एक कटोरी मैंने पानी ले लिया है और ये जो मैंने कपड़ा इसके ऊपर बांधा हुआ है, जैसे कि मैंने टी शर्ट लिया है, आप कोई भी कॉटन के कपड़े ले सकते हैं। तो मैंने टी शर्ट लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि टी शर्ट ही लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस पर बांध दिया है। अब इसका मैं रियूज बता देती हूँ। जैसे कि फर्श आप देख पा रहे होंगे हमारे सोफे के नीचे, टाइल्स के इस तरीके से दीवान के नीचे, और जैसे कि आपके घर में कोई भी चीज़ इस तरीके से रखा है हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, तो आप देख पा रहे होंगे कोने से कोने बहुत इजीली तरीके से इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर आप बांध के झाड़ू में इस तरीके से आप साफ़ करेंगे ना, तो दोस्तों यकीन मानिए जितने भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह है बिल्कुल इस तरीके से अटैच हो जाता है। तो है ना, छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसी तरीके से आप जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो दीवार है, टाइल्स लगा हुआ है, टाइल्स की पट्टियां हैं, इसके ऊपर कितना डस्ट वगैरह है। तो मैं हाथों में लगा के दिखा रही हूँ आप इस तरीके से, बस हल्का से गीला करने के बाद इस तरीके से आप रख के इसको ऐसे ही रफ़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से जितने भी डस्ट वगैरह है ना बहुत इजी तरीके से ये साफ़ हो जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से क्यों ना आप अपने घर की सफाई की करना है तो बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि मेरे जो घर में इस तरीके से गंदगी रहती है तो मैं 1 से 2 महीने में इस तरीके से इस ट्रिक को आजमा लेती हूँ। ये बहुत ही काम आता है। जैसे कि घर में आपके सीनरी वगैरह है या खिड़कियाँ वगैरह है ऊपर है, हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो इस ट्रिक को आप बहुत इजीली तरीके से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। और ऊपर जो जाले वगैरह हैं बहुत इजीली तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इतने ऊपर ही हमारे हाथ नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि दीवार वगैरह गंदा है दोस्तों, तो इसको भी आप बहुत इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक झाड़ू के हेल्प से मैंने काफ़ी सारा ये इस तरीके से सफाई कर लिया है घर के, यहाँ तक कि जो हमारे पर्दे का पाइप वगैरह है इसको भी आप बहुत इजीली तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टिप और ट्रिक आप सभी को इसमें से अगर कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। तो आप टी शर्ट की स्थिति देख पा रहे होंगे कि कितना गंदा हो चुका है, तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।